हम बात कर रहे हैं IEX की। अगर लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो इसमें 2% तक के गिरावट हमको इसमें देखने के लिए मिली है और स्टॉक हम देख सकते हैं 144 के लेवल से कंटिन्यू गिरावट में है। इससे पहले 120 के ऊपर स्टॉक कंसोलिडेट हुआ था और फिर जैसे स्टॉक ने इस रेंज को 130 के लेवल को ब्रेकआउट गया था उसके बाद हमको 144 तक के टारगेट देखने के लिए मिले थे। अब इसका एक 130 का लेवल एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है और अगर इसको ब्रेक डाउन देता है तो वैसे कंडीशन में 120 तक की हमको गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो। अब जहाँ पर स्टॉक ने क्लोजिंग दिया है 130 का लेवल, इसका इमीडिएट सपोर्ट है, यहाँ से हमको 134 तक का जंप देखने के लिए मिल सकता है 134 तक का। लेकिन यहाँ अभी स्टॉक गिरावट में है तो थोड़ा इंतज़ार करना है क्योंकि स्टॉक ने रिजेक्शन लिया है और मार्केट इस वक्त मार्केट गिरावट में है तो हो सकता है कि इसमें और सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिले। हो सकता है कि स्टॉक 130 के लेवल को ब्रेक डाउन दे जाए तो फिर हमको यहाँ पर 120 तक की गिरावट नज़र आ सकती है, 120 के लेवल से बाउंस बैक होता हुआ नज़र आ सकता है।